पावर स्टार पवन सिंह का गाना लाल घाघरा और खेसारी लाल यादव की फिल्म डोली सजा के रखना का गाना लाल घाघरा। जी हाँ, दोनों का क्लैश होगा, लेकिन रिलीज पहले खेसारी लाल यादव का गाना लाल घाघरा किया जा रहा है। कुछ आपको याद आ रहा है, आरा में दोबारा फिर आई बुना। जी हाँ, कुछ इस तरह की ही हरकत खेसारी लाल यादव की तरफ से की गई थी जब पावर स्टार पवन सिंह ने गाना रिलीज़ किया था, उसका पोस्टर आरा में दोबारा फिर आई बुना, और इसके जस्ट थोड़े ही देर बाद खेसारी लाल यादव का गाना का पोस्टर आरा में दोबारा रिलीज़ कर दिया गया, और उसके दूसरे दिन ही इस गाने को रिलीज़ कर दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि पावर स्टार पवन सिंह के उस गाने को उतना व्यूज़ नहीं मिला जितना खेसारी लाल यादव के गाने को मिला। बाद में ये क्लियर हो गया कि खेसारी लाल यादव को राइटर ने चुरा कर ये गाना दिया था, और उस वक्त भी खेसारी लाल यादव पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था। लेकिन इस तरह की कंट्रोवर्सी की अब पवन सिंह के टीम को आदत पड़ चुकी है। लाल घाघरा के साथ भी कुछ इसी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। कल SRK म्यूज़िक पर खेसारी का ये गाना रिलीज़ कर दिया जाएगा 6:30 बजे। ये गौरतलब बात है कि ये एक फिल्म का गाना है और इसे तभी रिलीज़ किया जा रहा है जब पावर स्टार पवन सिंह के इस गाने का कल ट्रीज़र रिलीज़ होने की पूरी उम्मीद है। अब ऐसे में आप किसके गाने को सपोर्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या आपको लग रहा है ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या जानबूझकर खेसारी लाल यादव के टीम की तरफ से ये सब कुछ किया जा रहा है? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।